الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. देखो, बात चल रही थी रमजान तकवा का सीजन है जी, तो अभी तकवे के बारे में सारी बात चल रही है। फिर रमजान को ही तकवे के लिए क्यों मुतय्यन किया है, उसके लिए भी आसानी चीज कि हमारे दो दुश्मन कमजोर हो जाते हैं। एक तो कैद कर लिया जाता है नफ्स और शैतान, शैतान कैद कर लिया जाता है और नफ्स जो है वो कमजोर हो जाता है, तो इसलिए तकवा हासिल करना आसान हो जाता है। अब बात यह थी कि तकवा दीन के हर शोबे में जरूरी है, इबादत के अंदर भी तकवा लाना है समझे, और इस तरीके से मामलात में भी तकवा लाना है। तो इबादत और मामलात के बारे में बात हो चुकी थी, अब हमें माशरत और अखलाकियात पर बात करेंगे कि इनके अंदर भी तकवा लाना, क्योंकि तकवा हर शोबे में होना चाहिए। और आपको पता है दीन के पांच शोबे हैं, एक ईमानियात है, दूसरा इबादत, तीसरा मामलात, चौथा माशरत, पांचवा अखलाक। ये पांच शोबे हैं, तो सबके अंदर तकवे की जरूरत है समझे ना। क्योंकि हर हर एक के अंदर गुना होते, माशरत के गुना अलग है, मामलात के गुना अलग है, अखलाक के गुना अलग है, इबादात के गुना अलग है, और हम हर एक में से गुनाहों को खत्म करना। नानी जान के चलो, बच्चों का शोर हो गया। तो सुनो, तो हर एक के अंदर तकवा, तो मामला का तकवा तो बता दिया गया है, जिन्होंने नहीं सुना होगा तो वो पिछला रिकॉर्डिंग सुन ले। मिक्सलर हमारा एक एप्लीकेशन है, उसमें से किसी को भी बता सकते कि उसमें जो रिकॉर्डिंग है कैसे सुनना चाहिए, तो सुन लिया करें। अब माशरत, इंसान दुनिया में मिलजुल कर रहते हैं, माशरत किसको कहते, मामला लेना देना, किसी ने किसी से हमारा लेना देना होता रहता है, मामला पढ़ते रहते हैं जी। अब माशरत में क्या है कि हम सब मिलजुल कर रहते हैं और जरूरतें आपस में एक दूसरे से वाबस्ता होती, क्योंकि हम कोई जंगल में तो रहते नहीं, कोई अकेले रहते नहीं, जिस बिल्डिंग में रहते हैं उस बिल्डिंग में हर एक से हमारा वास्ता होता है, जिस घर में रहते हैं उस घर के अंदर भी हमारा हर एक से वास्ता पड़ता है। जरूरत आपस में एक दूसरे से वाबस्ता होती है, मिलते जुलने और साथ रहने वालों में घर के अफराद भी होते हैं ना, मिलने जुलने और साथ रहने वालों में घर के अफराद भी होते और रिश्तेदार भी, पड़ोसी भी होते हैं और दोस्त अहबाब भी, ये सब के साथ माशरत होती। फिर आदमी जहां कारोबार या मुलाजिमत करता है, ये तो वो है जो घर के आसपास में रहने वाले, क्योंकि आज लोग माशरत का लफ्ज सुना है लेकिन जानते नहीं माशरत क्या है। तो माशरत आपस में मिलजुल कर रहने को कहते हैं, जिसमें घर के अफराद भी होते हैं, उनके साथ मिलना जुलना, रिश्तेदारों के साथ मिलना जुलना, पड़ोसियों के साथ, दोस्त अहबाब के साथ।
फिर जहां इंसान कारोबार या मुलाजिमत करता है वहां के लोगों के साथ भी उसको रहना पड़ता है। इस तरह से मिलजुल कर रहने को माशरत कहते हैं, मिलजुल कर रहने को माशरत कहते हैं। तो माशरत समझो, वरना लोग मामला तो थोड़ा बहुत भी जान लेते, माशरत पता नहीं। अब इन तमाम लोगों के एक दूसरे पर कुछ हुकूक होते हैं और कुछ फराइज, हुकूक होते कुछ फराइज होते, उनकी रियायत करना और हर एक के साथ खैरख्वाही का बर्ताव करना इस्लामी माशरत का तकाजा है। जाहिर बात है शोहर के बीवी पर हुकूक है, बीवी के शोहर पर हुकूक, और ये दोनों आपस में रहते हैं, ये माशरत है। माँ बाप के बच्चों पर हुकूक है, बच्चों के माँ बाप पर हुकूक है, ये सब मिलकर रहते हैं, माशरत है। इसी तरीके से हमारे पड़ोसी पर हुकूक है, इस पड़ोसी के इस पड़ोसी पर हुकूक है, ये दोनों मिलजुल कर रहते हैं, माशरत है। इसी तरीके से जिस मोहल्ले में हम रहते हैं वो एक दूसरे से हमें मिलते रहते हैं, ये जिस गांव में रहते हैं उस गांव के लोगों से हमें वास्ता पड़ता है, तो एक माशरत है और इन सबके एक हुकूक है। हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक ईमान की हकीकत को नहीं पा सकता, ध्यान से सुने, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक ईमान की हकीकत को नहीं पा सकता जब तक के उसमें यह सिफत पैदा न हो जाए कि जो बात वो अपने लिए पसंद करता है वो अपने मुसलमान भाई के लिए भी पसंद करने लगे। अल्लाह, यानी ईमान की हकीकत नहीं मिलेगी। आज हम क्या करते हैं, अपने भाई के लिए घटिया पसंद करते और अपने लिए अच्छा पसंद करते। तो ये सदका खैरात तो कबूल है लेकिन ईमान की हकीकत उसको नहीं मिली है। ईमान की जो हकीकत मिलेगी तो हर ईमान वाला अपने भाई के लिए भी वही पसंद करेगा जो अपने लिए पसंद। मिसाल के तौर पर मैं पसंद नहीं करता कि कोई मुझे बुरा भला कहे, कोई पसंद करता है बोलो, नहीं पसंद, तो फिर हम अपने भाई के लिए भी वही पसंद करके मैं भी उसको बुरा भला ना कहूं। तो देखो जो अपने लिए पसंद करते, तुम अगर चाहते हो कि मुझे कोई बुरा भला कहे कोई बात नहीं, तो फिर तुम्हें हक है तुम कहो, लेकिन तुम तो पसंद करते नहीं। क्या कोई चाहता है कि मेरी कोई बुराई करे, नहीं चाहता हूं मैं, तो फिर मैं अपने भाई की क्यों बुराई करूं, तो वो भी मुझे बुराई नहीं करनी चाहिए क्योंकि मैं अपने लिए पसंद नहीं करता, उसके लिए पसंद ना करूं। हम चाहते हैं कोई मुझे हदिया दे तो कोई अच्छी चीज दो जो मेरी पसंद की हो और जो मेरी जरूरत की हो, हम चाहते, तो हम जब किसी भाई को भी हदिया दे तो हम भी ऐसा करें कि अच्छी चीज हो और जो उसकी जरूरत की हो। आज हमने क्या किया, अच्छा अच्छा तो मेरे लिए और जो बचा कुचा है वो अपने भाई को दे दो, अल्लाह वो भी कबूल कर लेते, लेकिन ईमान की हकीकत को नहीं पा सकता। तो ये मैंने बता दिया कि देखो क्या होता है कि जो अपने लिए पसंद करो अपने भाई के लिए पसंद करो। जी, माशरत के सिलसिले में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में तफसीली अहकाम दिए हैं, उनको माशरत के अहकाम कहते हैं। जी, सीरत पर भी सहाबा की क्या माशरत थी वो है, अभी तो हमने बंद कर दिया क्योंकि रमजान की सीजन आ गई तो रमजान की बातें करने लगे, इंशाल्लाह जब होगी। तो माशरत तो सहाबा की एक माशरत थी, तो उनके माशरत के अहकाम कहते हैं जो दीन का एक अहम शोबा है। आम तौर से लोग इसको दीन नहीं समझते, नमाज पढ़ने को, तहज्जुद पढ़ने को, तस्बीहात और वज़ाइफ और ज़खीरे करने को तो दीन समझते हैं लेकिन माशरत को सही करने, माशरत को दीन ही नहीं समझती। बल वो तो एक तो जिंदगी का एक हिस्सा है बस, अरे वो दीन है, इस दीन पर अल्लाह राजी होते हैं,
जिससे नमाज पर अल्लाह राजी होते हैं। याद रखे, माशरत का दीन हमसे छूटा हुआ है, इसीलिए तो शौहर बीवी से झगड़ रहा है और बीवी शौहर से झगड़ रही है, क्योंकि दोनों के माशरत का पता ही नहीं है क्या है। मां बाप औलाद से और औलाद मां बाप से झगड़ रहे, माशरत का पता ही नहीं। पड़ोसी पड़ोसी से झगड़ रहा है, उसको पता ही नहीं कि माशरत के हुकूक क्या है। मोहल्ले वाले झगड़ रहे, एक साथ दीनी काम करने वाले झगड़ रहे, एक साथ नमाज मस्जिद में पढ़ने वाले झगड़ रहे, ये सब माशरत है कि उनको कैसे रहना चाहिए, उनको पता ही नहीं। एक साथ तालीम में बैठने वाली बहनें झगड़ रही है जी, इनको माशरत का पता नहीं, माशरत को दीन नहीं समझते। इसको अगर दीन समझा होता तो इसकी भी मालूमात करते और इसको अपनी जिंदगी में लाते। और ये फराइज में से है, याद रखे, हुकूक जो है वो फराइज है, अगर अदा न किया तो जिंदगी भर की सारी नेकियां उसके हिस्से में चली जाएगी। इसलिए न माशरत के मसाइल पूछते हैं और न उस पर अमल करते। तो रमजान मुबारक में कामिल तकवा हासिल करने के लिए जरूरी है कि हम माशरत के शोबे में भी अपना जायजा ले। यानी रमजान का महीना आ रहा है और उसमें हमें कामिल तकवा चाहिए, तो कामिल तकवा सिर्फ इबादत के मसाइल जानने से नहीं, बल्कि माशरत भी हम रमजान के महीने में अपनी सही रखें जी। जैसे मामलात को सही रखने को बताया, तो मामला तफसील से समझ गए। और जो लोग नए आए हैं, पिछली बातों को नहीं सुना है और उनको सुनने का शौक है, तो फिर वो बताए, या मिक्सलर हमारा एप्लीकेशन एक है उसमें से जाइए और उसमें से आपको मिल जाएगा। और न जानते हो तो हमें पूछ ले, या जो इसमें से जानने वाले उनसे पूछ ले और उसमें से वो बातों को सुन ले। बहुत अहम बातें गई है इबादत की और मामलात की। हम माशरत के शोबे भी अपना जायजा ले ले। मसलन हमारे घरों में अगर रमजान मुबारक से पहले शरी पर्दा नहीं था, अब माशरत का किस तरीके से कि हमारे घरों में रमजान मुबारक से पहले शरी पर्दा नहीं था, जैसे बहुत सारे सुनने वाले ऐसे होंगे, पर्दा तो है लेकिन शरी पर्दा नहीं है, आधा करते आधा छोड़ देते, कभी किया कभी छोड़ दिया। खास करके जहां ज्वाइंट फैमिलिया रहती है, घरों में बहू रहती है, दो दो बहू होती है, तो अब आपस में एक दूसरे के पर्दा होता है ना तो वो होता नहीं है। वैसे बाहर निकलते हैं तो पर्दा पहनकर, घरों में रहते हैं तो बेपर्दा हो जाते हैं जी। तो इसलिए कहते हैं शरी पर्दा अगर नहीं था तो घर में शरी पर्दा लाने की कोशिश कर। अब वो उलमा से पूछे कि भाई हम कैसे करें, हमारे घर में इस तरीके से है, दो दो फैमिलियां रहती है और इनके बच्चे हैं और दूसरे भाई भी है, अभी आपस में कैसे रहना, सब मसाइल पूछो तो हमारी माशरत सही हो जाएगी। हर चीज का हल है तो, लेकिन हम पूछते ही नहीं, हम तो चलते रहते नहीं। घरों में जब तक अपने भाई और बहन है ठीक है, अब बहू आ गई है, अब उस बहू का पर्दा किससे है, अब वो पूछो। हाँ तो सर उसको कहते हैं शरी पर्दा, इसलिए कहते हैं शरी पर्दा। हम बाहर तो जाते हैं तो बड़े पर्दे में, घर में आने के बाद छोड़ दिया। मिसाल के तौर पर रमजान से पहले अगर घर में भतीजा आता जाता रहा है, भतीजा जी अगर आता जाता रहा है जो बालिग है, और बड़ी अम्मी या चची कहता हुआ अंदर चला आता है जी, अब भतीजा है, अब घर में तो आता है, तो बड़ी अम्मी या चची कहता है जो चचा हुआ ना उसका, जो भाई है और जो घर में उनके घर से जो है चाची हुई, तो चाची कहकर अंदर चला था, हालांकि चाची का भतीजा के साथ पर्दा है। और पर्दे के बगैर बड़ी अम्मी या चची से या अपनी चचा साथ बहनों से, बहुत सारी जगह पर चचा साथ बहने होती है, आपा और बाजी कहकर बातें क्या करते हैं, कि हम बड़ी अगर बहन है तो कहते आपा आई, तो ये कजिन, हालांकि कजिन उनका पर्दा है, चचा की लड़की है, मामू की लड़की, आला की लड़की है,
तो ये हम उसको अगर बड़ी है हमसे तो हम आपा कह देते, बाजी कह देते, लेकिन इनका आपस में पर्दा है, कहो सब कुछ लेकिन नजर को झुकाए हुए या पर्दे से बात करेंगे। रिश्ता तो रखना है, माशरत यह कि पर्दे से बात करो। अब अगर इस रमजान में वो घर आता है तो उससे कह दे कि देखो अगर वो बेटा आता है घर में, या हम किसी घर जाते हैं और पर्दा नहीं करते हैं, तो कह दे कि भाई बेटा अब घर में आना है तो यहां पर्दा होगा, तो सिखाओ। नहीं अभी लोग कहते अरे नहीं ये तो बचपन से हमारे साथ खेला है पेला है, अभी हमारे साथ क्या पर्दा। नहीं, शरीयत ने कह दिया बचपन बचपन है, बालिग होते ही पर्दा शुरू हो गया। अब हम क्या है, बस वही चले रहे पुरानी रस्में। बोले अजनबी से पर्दा तो होता है, ये तो हम सब साथ में खेले हुए हैं, हाँ सब कजिन साथ में खेले हुए हैं, तो अब उससे हमें क्या पर्दा करे। नहीं, शरीयत ने कह दिया है अब उसको मान लो। तो ये बड़ा हार्ड पड़ता है। हमने इस रमजान मुबारक में तकवा हासिल करने का इरादा किया है, और हम अगर ये चीजें इस सुनने वालों के घरों में अगर ये चीजें हो रही है तो ये भी अपने आप को शरी पर्दे में ले आए, और ये चीजें ताकि रमजान मुबारक में हमें तकवा मिल जाए। ये हमें रमजान गुज़िश्ता रमजान से अच्छा गुजारना है ना, तो गुज़िश्ता रमजान में तो कजिन से हम पर्दा नहीं करते, तो रमजान तो रोजा तो रख लिया लेकिन तकवा नहीं मिला, इसलिए कि पर्दा न होने की वजह से गुनाह हो गए। गुनाह खाली शराब पीना चोरी करना ही थोड़ी है, ये भी तो गुनाह है। तो ये है कि हमने अगर तकवा हासिल करने का इरादा किया है और हमने ये तय कर लिया है कि रिवाजी पर्दे को छोड़कर शरई पर्दा करेंगे, इसलिए तुम जब भी घर में आओ तो इत्तला करके आया करो ताकि मस्तूरत पर्दा कर लिया करे। जी तो हमें चाहिए कि हम कजिन बहने हैं तो घर में जाने से पहले इत्तला कर लिया करो ताकि वो पर्दा कर ले, या वो बहने जो कजिन भाई के पास जा रही है तो पर्दे के साथ जाए और इत्तला दे दे और अपने पर्दे में रहे और अपने जो काम काज है घर में निपटा कर निकल जाए। तो ये है कि अब पर्दे में आ जाए तो देखो फिर तकवा कैसा मिलता, फिर घरों में बरकतें कैसे आती। जी अभी इसको तो कोई माशरा समझता नहीं है कि इससे भी कोई तकवा मिलता है। हाँ ये बहुत बड़े बड़े गुनाह होते हैं ऐसे, फिर तहज्जुद गुजार होते हैं और कजिनों से पर्दे नहीं करते और न करवाते हैं वो माँ बाप। वो माँ बाप भी बड़े नेक, ऐसी क्या नेकी है कि वो पर्दा ही ना करे, तो नेकी क्या ना अपने औलाद से पर्दा करवा रहे। उसका मतलब यह है कि हमने भी नहीं किया है और हमारे औलाद भी नहीं करेगी, तो हम दीन जानते ही नहीं, खाली दीन नमाज पढ़ने का नाम रख लिया, नवाफिल पढ़ने का नाम, जखीरे पढ़ने का नाम रख लिया। नहीं, वो भी दीन है ये भी दीन, ये दीन उससे भी ज्यादा अहम है। देखो तो उनको बता दिया करो, देखो बेटा घर तुम्हारा है, बार बार आओ जाओ कोई बात नहीं, तुम्हारे आने से हमें बड़ी खुशी होती है, जब चाहे आ जाओ, मगर इन मस्तूरात के साथ बेपर्दा बातें करना शरीयत के खिलाफ है, आइंदा उसका ख्याल रखो। यह कजिन बहने जो होती है या और भी, अब किसका पर्दा है नहीं है वो मालूम करो। तो ये बात समझ, या मसलन शादी ब्याह की रस्में, एक तो इस तरीके से कजिन से पर्दा, एक तो घर में जो भाभी आती उससे पर्दा, या मसलन शादी ब्याह की रस्में जो हम रमजान मुबारक से पहले क्या करते थे, अब मौका आए तो किसी आलिम दीन से या किसी अल्लाह वाले से उसका शरई तरीका मालूम करेंगे। यानी अभी तक तो हम शादी में कुछ भी देखते नहीं थे शरीयत क्या है, बस चलते रहते रस्म और रिवाज पर, लेकिन अब नियत कर ले कि हमें शादी आएगी या शादी में जब जाएंगे तो किसी आलिम दीन से किसी अल्लाह वाले से शरीयत का तरीका मालूम करे कि हमने रमजान मुबारक के जरिए जिंदगी बदलने का पुख्ता इरादा कर लिया है, लिहाजा आप हमें शादी का शरी तरीका बतला दीजिए
कि फुला काम शरीयत की रोशनी में कैसे करूं और कहां तक करूं। जी कैसे करूं कहां तक करूं ये आपको बताया जाए तो पूछ लिया करें। तो देखो कहां कहां दीन है, कहां हम उससे गलती हो रही। हमने तो सिर्फ इबादत का दीन सीखा है, बस रोजा आएगा अल्हम्दुलिल्लाह, रोजा भी रखेंगे अच्छी तरीके से और खैर खैरात भी करेंगे, गरीबों को भी खिलाएंगे, लेकिन माशरत बिगड़ी हुई है, मामलात बिगड़े हुए, तो क्या होगा? ये नेकियां वहां से निकल जाएगी, ये नेकियां निकल जाएंगी, फिर वो तकवा नहीं मिलेगा। तो कहते हमने तो बहुत अच्छा रोजा रखा, हमें तकवा क्यों नहीं मिला? तो ये देखो कि कहां से लीक हो रहा था, तुम्हारी नेकियां कहां से जा रही थी, तो तकवा कैसे मिलेगा? तो ये सारी चीजें अगर रमजान मुबारक से पहले हमने ऐसा नहीं किया तो ये समझ ले कि हमको सिर्फ रोजे रखने का शौक है, ऐसे रोजे से तकवे की सिफत नहीं हासिल हो सकती। अगर हम ये नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, रमजान रख रोजा तो रमजान तो आएगा, ऐसा नहीं कि रमजान नहीं आने वाला, आएगा, रोजे भी रखोगे तो ये तो आपको रोजा रखने का शौक हुआ लेकिन तकवा हासिल करने का शौक नहीं हुआ। अगर तकवा हासिल करने का शौक होता तो इन बातों पर ध्यान देते, मामलात को, मामलात की बातें बहुत अहम थी, उस पर भी ध्यान देते, माशरत को भी सही करते। जी हां फर्ज तो अदा हो जाएगा रमजान के रोजे का, दुकान खोलने का फर्ज अदा किया जाए और आमदनी न हो तो क्या ख्याल है? एक आदमी दुकान तो रोज खोलता है लेकिन अगर उसको उस दुकान में से नफा नहीं मिल रहा है तो क्या कहूंगे आप? टेंशन में आओगे ना, फर्ज की ऐसी अदायगी पर आप कैसे राजी रहेंगे? तो ऐसे ही रमजान तो आया है लेकिन रमजान से नफा हासिल नहीं किया, तो ऐसा ही है कि रोज जाके दुकान तो खोल रहे हैं लेकिन दुकान से कोई धंधा नहीं मिल रहा है तो क्या फायदा? ऐसी दुकान कहते हम पाबंदी से खोलता हो, अरे भाई पाबंदी से खोलना जितना जरूरी है इतना उसमें ऐसी मेहनत करो कि उससे तुम्हें नफा भी मिले। तो हम भी रमजान के रोजे तो पाबंदी से रखते हैं लेकिन खाली रोजे रखने नहीं, इस रोजे से नफा तकवा है और तकवा मिल नहीं रहा है तो खाली रोजे रख रहे हैं, फरीज अदा हो रहा है लेकिन फायदा नहीं हो रहा। एक है फरीज अदा करना और एक है फायदा हासिल करना। तो रोजे का रमजान के महीने का फायदा तकवा है, लअल्लकुम तत्तकून। बात को समझो, मैं खोल खोल के बात समझाना चाहता हूं। जी इसलिए जिस तरह हमें दुनिया के कामों में अच्छे नतीजे की फिक्र होती है, इसी तरह दीन के कामों में भी बेहतर से बेहतर नतीजे की फिक्र और कोशिश होनी चाहिए। जी बेहतर से बेहतर नतीजे की और फिक्र कोशिश होनी चाहिए। अब देखो ये तो थारी थी माशरत का एक मुख्तसर सी बात आई जिसमें थोड़े थोड़े इशारे हो गए, इससे आपको समझने के लिए काफी है, बहुत तफसील यहां नहीं आ सकती। लेकिन हमारे दर्स को बराबर जो सुनते रहेंगे पूरे साल तो उसके अंदर यही मामला की बातें भी आती है, माशरत की भी आती है, अखलाक भी आते हैं, इबादत भी आते हैं, बहुत सारी चीज आएगी, तो आपको दीन मिलेगा। और जिसको बातों को बार बार सुनने से हमारे अंदर अमल का शौक पैदा होगा, ऐसा नहीं कि रमजान आया है चलो रमजान से पहले कुछ बातें मालूम कर ले, नहीं, हमारा दर्स जो है वो पूरा साल आप सुनोगे तो आपको ऐसा ही लगेगा जैसे आज सुन रहे हैं, यानी ऐसी नई नई बातें और ऐसे असर करेगा। क्यों? कि ये आम दर्स नहीं है, ये आम बयानात की तरह बयान नहीं है, बल्कि ये मरीजों का इलाज हो रहा है, इसमें दवाएं पहुंचाई जा रही है, इसमें तवज्जो दी जा रही है, जिसकी वजह से सुनने वालों पर एक असर होता है जो आप नहीं समझ पा रहे कि इसके बीच में क्या है, नहीं वो एक तवज्जो होती है। इसलिए पूरे साल इन बातों को सुनते रहे, अलग अलग तरीके से अलग अलग उन्वान पर बातें आती रहती है, जो हमें घर बैठे दीन मिल रहा है, इतना आसान अल्लाह ने रास्ता कर दिया है दीन के हासिल करने का और अपनी इसलाह करने का, घर बैठे बैठे कहीं सफर नहीं करना, सब बच्चे
और माँ बाप और मियाँ बीवी सब मिलकर सुन सकते हैं और सबको फायदा होगा अगर दिलों में अपनी इस्लाह की नीयत होगी तो। और वक्त पर आवे, वक्त पर मैं खत्म भी करता हूं, मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता हूं, बहुत फायदा होगा। तो इंशाल्लाह नीयत करें कि पूरा साल हम सुनेंगे जब तक कोई मजबूरी ना हो। तो अब यह है मामला, माशरत खत्म, अब अखलाकियात है जी। दीन के शोबों में से एक अहम शोबा अखलाक है जी, एक अहम शोबा अखलाक है। और आप अखलाक पर तो बहुत सारी बातें पिछले दर्स हो चुके, बयानात हो चुके, जिसमें अखलाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनवान पर आपने बहुत सारी बातें, लगभग 10-15 दिन तक अखलाक पर बातें चली है, जिसमें ऐसे लोग जो हुजूर के अखलाक को देखकर इस्लाम में दाखिल हो। तो यह है अखलाकियात। तो उससे ज्यादा तफसीर देखना हो तो अखलाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप सुन सकते हैं, उससे बहुत कुछ मिलेगा और हम अपने अखलाक को ऐसा बनाए। तो दीन, और बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने सुना है उनको पता है अखलाक। तो दीन के शोबों में से एक अहम शोबा अखलाक है, इसकी तफसीर पूरी गुजर चुकी। हदीस पाक में है कि कामिल ईमान वाला वो मोमिन है जिसके अखलाक अच्छे। देखो हर जगह पर फरमाया कामिल ईमान की हकीकत वाला कौन है, कि जो अपने भाई के लिए वो पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है, तो वो कामिल ईमान वाला हो। फरमाया जो कामिल ईमान वाला होगा वो अपने भाई के लिए भी, माशरत में बात आई, वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद। और यहां पर फरमाया कामिल अखलाक वाला वो होगा, कामिल ईमान वाला वो होगा जिसके अखलाक अच्छे होंगे, जिसके अखलाक अच्छे होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बिलाशुबा कयामत के रोज सबसे ज्यादा भारी चीज, कयामत के रोज सबसे ज्यादा भारी चीज जो मोमिन के तराजू में रखी जाएगी, सबसे ज्यादा भारी चीज जो मोमिन के तराजू में रखी जाएगी वो उसके अच्छे अखलाक होंगे। सुभान अल्लाह। आज हमने अखलाक का लफ्ज तो सुना है लेकिन अखलाक क्या है उसका पता ही नहीं। हम दूसरों को कहते अखलाक दुरुस्त करो, अखलाक दुरुस्त करो। भाई अखलाक तो समझो, तो पिछले जो दर्स है उसके अंदर सब बताया गया कि अखलाक क्या है, क्योंकि अभी इसमें तो रमजान के बारे में, इसलिए इसमें अखलाक मुख्तसर बता दिया। तो अखलाक फरमाया सबसे ज्यादा भारी चीज जो मोमिन के तराजों में रखी जाएगी वो अखलाक होगी, याद रखिए, क्योंकि कल कयामत के दिन अमलों का वजन होगा ना, तो हमारे तराजों में वजनी जो चीज होगी वो अखलाक होगी, जिससे इंसान बहुत जल्दी कामयाब हो जाएगा। अखलाक सुनना तो बहुत आसान है लेकिन अखलाक अपनी जिंदगी में लाना बहुत कुछ पीना पड़ता है, जब जाके अखलाक आते हैं, याद रखे। इसलिए वो जब उसको लाने में जो मुजाहदा है, इसलिए अल्लाह ताला ने उसके अजर को भी बढ़ा दिया है। फरमाया तराजू में रखेंगे तो सारे तराजू जो झुक जाएगा, तो फरमाया वो अखलाक होंगे। फिर फरमाया बिला शुबा बद अखलाक से अल्लाह ताला को दुश्मन, हमारे अखलाक अगर बुरे होंगे तो अल्लाह हमसे कैसे राजी हो सके। आज हम नवाफिल पर तो बहुत जोर देते हैं, तहज्जुद पर, चशराक पर, चाश पर, और भी दूसरी नवाफिल और दूसरे खैरात और दूसरे वजाइफ, लेकिन हम, हमारे अखलाक बिगड़े हुए हैं, तो ये सारी जो हमारे वजाइफ है तो उसके सारे अजर जो है वो इस रास्ते से निकल जाएगा, तो हमारी तरक्की नहीं होगी। क्योंकि फरमाते देखो बद अखलाक से अल्लाह ताला को दुश्मनी, अब अल्लाह से हमें कैसे कुर्ब मिलेगा, हालांकि हम आमाल कर रहे हैं इसलिए कि भाई हमें अल्लाह से कुर्ब मिल जाए। तो आपने जहां वो हदीसें सुनी हैं कि इंसान अल्लाह ताला से कुर्ब के लिए सजदे में ज्यादा करीब होता है, तो ये हदीसें सुनी तो आपने सजदे ज्यादा कर दिए, यानी नमाजें ज्यादा पढ़ोगे तो सजदे ज्यादा होंगे। तो आप सोचे कि भाई आपने कुर्ब हासिल करने के लिए नमाजें ज्यादा पढ़ी है, लेकिन ये भूल गए कि दूसरी साइड जो है उसको हमने छोड़ दी। दूसरी साइड में फरमाया अगर अखलाक बुरे हैं
और आप कसरत से सजदे कर रहे हैं तो फिर भी आपको अल्लाह का ताल्लुक नहीं मिल सकता और अल्लाह का कुर्ब नहीं मिल सकता, क्योंकि आपने एक बात याद रखी, दूसरी साइड तो छोड़ दी। इसलिए फरमाते हैं दीन हर तरीके से देखना है। इसलिए यहां पर बताया कि इबादात का भी दीन, वो तो बता दिया कि हम उस पर तो ध्यान देते हैं, मामलात गड़बड़ है, माशरत गड़बड़ है, अखलाक गड़बड़ है, तो फिर सारी जो सजदे का जो हमने जो सारी नमाज है वो इस रास्ते से निकल जाए और हमें अल्लाह का कुर्ब नहीं मिल सकता। इसलिए हमारा जोर और हमारा ध्यान जहां हमारे नवाफिल पढ़ने पर है वो आप रखे, वो मुबारक हो, लेकिन ये याद रखो कि हमें अखलाक को भी अच्छा करना है, माशरत को भी अच्छा करना है, इस पर ध्यान ज्यादा दे। उससे फिर रमजान के महीने में तो खास तौर पर और पूरे साल आम तौर पर हमें ऐसे ही रहना। तो फिर तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम अच्छे अखलाक वाले थे और अल्लाह पाक ने अपने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अखलाक के सबसे ऊंचे मकाम पर फाइज किया था। नबी इस्लाम के अखलाक सबसे ऊंचे थे, तो हम किसके उम्मती है? नबी की उम्मती है। और हम कहते हैं हम नबी की सुन्नतों पर चलने वाले हैं, तो नबी की सुन्नतों में से सबसे बड़ी सुन्नत तो आपके अखलाक है। आज हमने वुजू में मिसवाक की सुन्नत तो याद रखी, सुरमा लगाने की सुन्नत तो याद रखी, खुशबू लगाने की सुन्नत तो याद रखी। जहां वो सुन्नत है तो वहां ये भी तो सुन्नत है कि नबी अलैहिस्सलाम ऊंचे अखलाक पर फाइज थे, तो वो अखलाक भी तो मिला, ये भी तो नबी की सुन्नत है। हमने उन चंद बातों को सुन्नत समझा, पूरा दीन सुन्नत है, यानी नबी का तरीका है। अखलाक के सिलसिले में हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि अहादीस के अंदर गौर व खौस से, गौर व फिक्र से मालूम होता है, हजरत थानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि तमाम अखलाक का खुलासा यही है कि इंसान की जात से, तमाम अखलाक का खुलासा देखो इंसान की जात से, यानी मामलात माशरत और सब कुछ इसमें आ गया। तमाम अखलाक का खुलासा यह है कि इंसान की जात से किसी को तकलीफ न पहुंचे, बस इंसान की जात से किसी को तकलीफ न पहुंचे, चाहे मामलात करके चाहे माशरत करके, जात से किसी को तकलीफ, अखलाक का खुलासा मिल गया। अल्लाह, अभी हम खुद देखें कि मेरी जात से किसी को तकलीफ नहीं हो, पहले तो घर में देखें, शौहर ये सोचे कि मेरी किसी हरकत से मेरी बीवी को तो तकलीफ नहीं पहुंच रही, ये अखलाक का खुलासा जी, सोचे उस पर गौर करें और बीवी को भी बता दे। बाद मरता बीवी को तो पता है कि मेरे शौहर की इस अदा से मुझे तकलीफ हो रही है, लेकिन बीवी बेचारी बोल इसलिए नहीं रही कि इनको गुस्सा आएगा और ये समझेंगे तू कौन होती मेरे ऐप को दिखाने वाली। तो हमें शौहर को चाहिए कि वो अपनी बीवी को बता दे कि देखो मुझे अखलाक दुरुस्त करने हैं, मुझे मेरे बद अखलाकी का पता नहीं चलेगा, तुझे पता है कि मेरी कौन सी हरकत ऐसी है जिसकी वजह से तुझे तकलीफ पहुंच रही है, तो मुझे बता दिया कर और मैं इंशाल्लाह उस पर इसलाह की फिक्र करूंगा, और तू बताएगी नहीं तो मेरी इसलाह कैसे होगी। अब देखो बीवी बेचारी कैसी खुश हो जाएगी और उस बीवी के जरिए से हमारे अखलाक दुरुस्त हो जाए, और बीवी अपने शोहर से कहे कि उसको भी तो अपने अखलाक अच्छे बनाने हैं कि उसकी किसी हरकत से शोहर को तकलीफ ना हो। बाद मरता शोहर बर्दाश्त कर रहा है, बोले जाने तो अब बन जाएगी, तो वो बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन हम अपने अखलाक में आगे नहीं बढ़ रहे, तो हम उनसे भी कहें। तो ये चीजें, तो इससे क्या होगा, मियां बीवी के दरमियान में बहुत अच्छी मोहब्बत और जोड़ पैदा होगी, तो अब इनसे अल्लाह राजी होगा और सारी दुनिया इस नमूने को देखेगी कि देखो कितना मोहब्बत से रहे। तो क्या हुआ कि अपनी जात से किसी को तकलीफ न पहुंचे। आज हम बाहर तो ऐसा रहते हैं कि मेरी वजह से कहीं काम पर जाते हैं तो मैं ऐसा रहूं किसी को तकलीफ न पहुंचे, लेकिन घर में ऐसा नहीं रहते। हमें घर में भी ऐसा रहना चाहिए कि मेरी जात से न मेरे बच्चों को तकलीफ पहुंचे। हमारी औलाद है तो क्या मतलब, हमारे औलाद है तो क्या हम औलाद को तकलीफ पहुंचाते रहे? नहीं, हमें ऐसा रहना, न मां बाप को तकलीफ पहुंचे, न मेरे बीवी को तकलीफ पहुंचे, न मेरे औलाद को तकलीफ पहुंचे, न मेरे पड़ोसी को तकलीफ पहुंचे। बाज मरतबा जूते निकालने से तकलीफ पहुंचती है, बाज मरतबा हमारी
कोई काम करने से तकलीफ पहुंचती है तो हमें वो देखना चाहिए कि मैं इस वक्त में ये काम कर रहा हूं, इसका शोर होगा, पड़ोसी को तकलीफ होगी, तो पहले उनसे माफी मांग ले कि भाई मुझे ये काम करना है, वो इजाजत दे तो हो गया काम। तो खैर, तो ये है बहुत सारी चीजें हैं, वो समझाने के लिए थोड़ा आपको बताया कि देखो किस तरीके से तकलीफ पहुंच जाती है, कुछ पता नहीं। तो हमें घरों में मोहब्बतों से रहना। तो फरमाया इंसान की जात से किसी को तकलीफ न पहुंचे। रमजान मुबारक में कामिल तकवा हासिल के लिए, हुसूल के लिए अपने अखलाक की दुरुस्तगी का भी ख्याल रखना जरूरी है। ये तो अखलाक का खुलासा बताया कि अपनी जात से किसी को तकलीफ न पहुंचे, और उससे भी ऊपर का दर्जा क्या है अखलाक का, उससे भी आगे का दर्जा यह है कि अगर कोई हमें तकलीफ पहुंचाए तो हम उसको बर्दाश्त कर ले और उसको माफ कर, ये उससे भी ऊंचा दर्जा है। ये निचला दर्जा है कि अपनी जात से किसी को तकलीफ न पहुंचे, और उससे ऊंचा दर्जा कि कोई अगर तकलीफ पहुंचाए तो मैं उसको बर्दाश्त करके माफ कर लूं, उससे भी ऊंचा दर्जा बताऊं एक अखलाक का, उससे भी ऊंचा दर्जा है वो ये है कि हम तकलीफ उठाकर उसको राहत पहुंचाने वाले जी, खुद को तकलीफ में डालकर दूसरों को राहत पहुंचाना, ये अखलाक के और सबसे ऊंचा दर्जा। खुद को तकलीफ में डालकर दूसरों को राहत पहुंचाना, पहले में क्या था कि किसी को मुझे तकलीफ नहीं पहुंचानी, दूसरे दर्जे में यह था कि किसी ने पहुंचाई मैं बर्दाश्त कर लूं, तीसरे दर्जे में है कि मैं तकलीफ को बर्दाश्त करके और मैं अपने आप को तकलीफ में डालकर सामने वाले को राहत पहुंचाऊं, यह है। और इसके बारे में किस्सा तो आपने फजाइल आमाल के अंदर बारहा सुना होगा कि वो एक सहाबी थे जो पानी लेकर अपने चचाजाद भाई को पिलाने के लिए निकले, और उनके पड़ोस में से आवाज आई पानी पानी, तो क्या किया, तो उन्होंने इशारा किया कि भाई ये पानी उसको पिला दो, उसके बाद मेरे पास आना। देखो अखलाक का कितना ऊंचा दर्जा है कि खुद को तकलीफ में डाला और अपने भाई को पानी पिलाया। आज दुनिया में कोई ऐसा है? अरे ढूंढो तो शायद कोई मिले। हमें यहां तक जाना है, लेकिन इब्तिदा यहां से करनी है कि सबसे पहले मेरी जात से किसी को तकलीफ न पहुंचे, इब्तिदाई दर्जा। अल्लाह, दीन के मस्कुरा शोबों से मुताल्लिक ये इख्तिसार के साथ चंद बातें मैंने आपके सामने अर्ज कर दी, मामला इबादत, मामलात, माशरत और अखलाक के बारे में, ताकि अंदाजा हो सके कि जिंदगी के किन किन शोबों में हम नफ्स और शैतान के बहकावे में मुब्तला है। देखो ये बातों को सुनने के बाद आपको पता चला होगा कि वाकईतन इस लाइन का तो दीन कभी सुना ही नहीं, पता ही नहीं, नाम तो सुने थे मामलात और माशरत और अखलाक, लेकिन पता ही नहीं। तो याद रखे, इसलिए थोड़ी बहुत इसकी तफसीर समझा दी गई, कहां कहां सही इल्म की और उलमाए दीन की रहनुमाई की हमें जरूरत है। इसलिए ये जो सुनने वाले हैं उनसे भी गुजारिश है कि पाबंदी के साथ दर्स को सुने। अभी भी ये जो तकवा का जो बातें अभी पूरी नहीं हुई है, अभी उसको चले, उसके बाद रमजान की और भी बातें चलती रहेगी ताकि पता चले कि रमजान है क्या चीज। हाँ, तो इससे बहुत बड़ा फायदा होगा, और उसके बाद इंशाल्लाह कुछ ना कुछ मसाइल भी आ जाएंगे, फिर उसके बाद और भी कुछ बातें होगी। तो मुसलसल जुड़े रहे रमजान के अंदर भी और रमजान के अलावा में भी। बस आज यहीं पर खत्म करते हैं, सिर्फ दो बातें हुई, मामलात, माशरत और अखलाक पर बातें हुई। कल इंशाल्लाह कुछ और करेंगे।